दोस्तों दफेक्ता ही में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एकता अरोड़ा। आज हम पहुंचे हैं डेरा के इलाकों में। जानते हैं बूढ़े बुजुर्ग बहुत ही संख्या में, आज लाखों की संख्या में डेरा में लोग पहुंचे हुए हैं। इनका क्यों आना है डेरा में, क्या कर रहे हैं यहाँ पे डेरा में आके? आज एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं क्या डेरा में क्या करने आए हैं। सर आपका नाम क्या है? जगमोहन इंसा। जगमोहन सर जी, आप यहाँ पे आज क्यों आए हो, क्या करने आए? ब्लड देने के लिए आए, सत्संग सुनने के लिए आए। आप इतनी बुजुर्ग अवस्था में हो, क्या लगता है कि आपका ब्लड है जो किसी के काम आता है या कुछ ऐसा, क्या क्या आपका संदेश है दूसरों को? नहीं, हमें पता है, हर चीज़ का पता है यहाँ के। हमारा जय सेना के लिए भी जाता है, वैसे भी काम आता है, गरीबों के लिए कामयाब होता है। कहाँ से सीखा आपने ये? यहीं देर से सीखा है। बाबा जी आज आपके बीच में नहीं है, तो आपको लगता नहीं है कि वो नहीं है तो हम डेरे को छोड़ दे जैसा कुछ विचार दिमाग में? हमें बाबा जी पर पक्का विश्वास है, पुराने से 1990 से जुड़े हुए हैं इस डेरे से, और हमें उनकी हर बात का पता है, हर चीज़ का पता है। जो चीज़ें सब बेकार हैं जो मीडिया ने दिखाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मीडिया ने दिखाया, सब उल्टा दिखाया है, यहाँ कुछ नहीं है उस साथ का हिसाब। हमें उन पर पूरा विश्वास है, हम साथ लगे रहेंगे, मरते दम तक लगे रहेंगे। मैंने 11 बार बाबा जी ने आज ब्लड डोनेट करा है। आपको लगता है ये ब्लड डोनेट करना कहाँ जाता है आपका ब्लड, या कैसे आपका क्या पर्पस रहता है दूसरों की मदद करने? नहीं, हमें पता है सही जगह जाता है, सेना में जाता है, वैसे गरीबों में जाता है, अस्पताल जाता है, सही जगह जाता है हमारा ब्लड डोनेशन होता है। और हम उससे हमें फायदा ही पता है इसके, क्योंकि हम इसे देने के वजह से मैं चल नहीं सकता था, लेकिन ब्लड डोनेशन करने के बाद में मेरे सब रोग दूर हुए। बहुत ही अच्छा, इनका कितना पॉजिटिव जो बाबा जी ने एक मैसेज पॉइंट तक पहुंचाया है कि ब्लड डोनेट करने से हमारे अंदर की बीमारियां जाती हैं, ये एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न भी रहा है। बहुत ही बढ़िया सर, आप आज भी ब्लड डोनेट कर रहे हो। द फैक्ट टाइम में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।